हाथरस हादसे के बाद से फरार बाबा नारायण साकार हरि का पहला बयान सामने आया, लेकिन ठीक उससे पहले एसटीएफ और यूपी पुलिस ने हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। भले ही सूरजपाल मीडिया के सामने आकर खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा हरि के गुनाहों की फाइल तैयार कर चुकी है। बाबा का जाल कहां तक फैला है, बाबा कैसे भोले भाले लोगों की जिंदगी से खेल रहा था, बाबा ने कैसे करोड़ों का अंपायर बनाया, बाबा के सीक्रेट एसटीएफ को कौन बता रहा है, बाबा के गुनाहों पर सबसे बड़ी गवाही हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस से फरार हुआ साकार हरि कहां छुपा है? क्या बाबा ने महल के भीतर बंकर बना रखा है? सरकार हरि का माया जाल कहां तक फैला है? बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस में 4 घंटे का सत्संग 2.5 घंटे में निपटाकर बाबा साकार हरि फरार हुआ अपने काफिले समेत कहां गायब हो गया? यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड में नारायण सरकार हरि के लाखों फॉलोअर्स हैं। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव का तगड़ा नेटवर्क है। कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज समेत कई जिलों में 12 से ज्यादा आश्रम है। इन आश्रमों का एक एक रहस्य बताएंगे, लेकिन पहले नारायण साकार हरि के खिलाफ भक्तों का आक्रोश देखिए। जो पहले पूछते थे अब कितनी नफरत से भरे हुए हैं। ये मूरत जिसमें मानवता धर्म सत्यता है आज भी रहेगा, इस तरह का लिखा हुआ था, लेकिन अब ये फोटो यहाँ कूड़े में पड़ी है। ये बाबा की स्थिति है, लोग पांव रख रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि कोई शक्ति है, कोई अध्यात्म है, कीर्तन है, इसी उम्मीद में गए थे, लेकिन जब इस कॉलोनी की 5 महिलाओं में से 3 वापस नहीं लौटी तो सबका विश्वास डोल गया और अब बाबा की तस्वीर कूड़े में पड़ी। सूरजपाल जाटव ने खुद को भगवान बनाने के लिए सेवादारों के साथ मिलकर एक झूठा आभा मंडल बना रखा था। उसने भोले भाले भक्तों के बीच झूठ फैलाया था कि वो असाध्य रोगों को ठीक कर देता है, बाबा कैंसर का इलाज कर देता है, बाबा का लॉकेट भूत प्रेत से बचाता है, घर में बाबा का पोस्टर लगाने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बाबा के चरणों की धूल में जादुई शक्ति है। 2 जुलाई को हाथरस से इसी चरण रज यानी बाबा साकार हरि के चरणों की धूल लेने की होड़ में भगदड़ मची, 121 जाने गई। ईश्वरी शक्ति वाला तथा कथित बाबा सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। बाबा ने पलटकर भक्तों को देखा तक नहीं, अब वही भक्त बाबा की पोल खोल रहे हैं। पहला नंबर तो उस बाबा की गलती थी, फिर दूसरा नंबर कमेटी वालों की गलती थी। उसने कोई बैरियल, कोई मतलब डंडा लाठी कोई नहीं गाड़ी तो पबलक चलिया तो एक दूसरे पे खिसल खिसल के मतलब पांव रपट रपट के खत्म भैया। क्या लगा बाबा में कि वहाँ जाना? बाबा में भैया मुँह तो कछु ना लगो, पर मैं तो शोक साइन में मतलब मनोरंजन के काज मैंने चलो भाई सत्संग बच्चों में चमू चले जा मेला, बस इतना लगा। बाबा है ना है, तो बाबा में कोई शक्ति नहीं है। मैं तो अपने दिल में यही सोच रही हूँ, बाबा में गलती है ना, आके देखना चाहिए कि एक ही रोड पर काके तो इतनी जनता जा रही है, चौराहे के सारे करवाते, पूरब का आदमी आया है तो पूरब को जाना चाहिए और पश्चिम का आया है तो पश्चिम को जाना चाहिए। ना माँ कोई पुलिस वाले नहीं देखे, एक दो देखा होगा, मैंने कोई पुलिस वाले नहीं देखे। कहती है बाबा में कोई शक्ति नहीं, 5 सहेलियां गई थी, 3 वहीं रह गई, 2 वापस आई, 1 अस्पताल में है, 1 यहाँ बैठी है, ये इस कॉलोनी की हकीकत है। बाबा नारायण साकार हरि दावा करता था कि वो भक्तों से कुछ नहीं लेता, उसके सत्संग में सब कुछ फ्री होता है। हमने जब इसकी पड़ताल की तो बाबा का ये दावा भी झूठा निकला। बाबा सेवादारों के जरिए पोस्टर, फोटो, लॉकेट
भक्तों को बेचता था। बाबा ने एक आरती भी बना रखी थी। आरती लिखा पोस्टर सबसे महंगा होता था। ये हम नहीं कह रहे, इसका खुलासा बाबा के वही भक्त कर रहे हैं जो सत्संग में जाते थे और ढोंगी बाबा के प्रभाव में आकर अपनी गाढ़ी कमाई वहां खर्च कराते थे। अब बाबा का रेड कार्ड भी देख लीजिए। लॉकेट 10 रुपए, किताब 50 रुपए, दफ्ती वाला स्टिकर 70 से 100 रुपए, आरती वाला पोस्टर 120 रुपए। बाबा कहता था कि वो पैसा नहीं लेता है, चंदा नहीं लेता है, लेकिन बाबा ने दुकान चला रखी थी। भक्तों को दुकान पे सौदे बेचे जाते थे। ये देखिए, ये फोटो है जो अंधविश्वास में लोग इसको अपने भगवान के स्थान पर जगह देते हैं। कितनी कीमत है भैया इसकी? 100 रुपए की कीमत। इस कागज की कीमत 100 रुपए। इसके अलावा अगर अलग अलग आप चीज देखेंगे तो ये देखिए, नारायण साकार हरि इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ और लोगों में भावना पैदा करते थे और भगवान के स्थान इनको दे दिया गया था, लोगों ने इनको दे दिया था। भैया इसकी कीमत कितनी है? 70 रुपए। ये 70 रुपए। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे देखिए जो दफ्तियां हैं, इमेजेस हैं, उनको यहाँ रखा गया था। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की आरती। आरती है ये, शाम की आरती है ये। इसकी कीमत कितनी है? ये 80, 90, 100, 120, इनकी सारी 80, 90, 100, 120। जो जिस तरीके से खरीदे उसको उस तरीके से बेचो। बाबा के पास सिर्फ यही चीजें नहीं बिकती थी, बाबा के पास लॉकेट भी बिकते थे। ये देखिए, चमत्कारी लॉकेट है जो कि बच्चों को गले में लोग पहनते थे कि बाबा से मिलके चमत्कार होगा, फायदा होगा। और इस तरीके के लॉकेट भैया इसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए। कितने लॉकेट आपने खरीदे थे? ये बहुत सारे खरीदे, कम से कम खरीद लिए होंगे अब तक 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा लॉकेट खरीद डाले। बाबा नारायण हरि अपने भक्तों से खास दूरी बनाकर रखता था। अगर कोई भक्त आमने सामने बैठकर अपनी समस्या पर डिस्कस करना चाहे तो उसका भी रेट तय था। बाबा से डायरेक्ट मिलने की बात करने वाले भक्तों से सेवादार 50 लाख की डिमांड करते थे। मिलने के लिए 50 लाख रुपए खर्चे करने पड़ेंगे। जैसे आप और हम बैठे हैं, इसी तरीके से बात करने के लिए 50 लाख रुपए खर्चे करने पड़ेंगे। ये किसने बताया? ये वहीं के लोगों ने, आसपास के स्थानीय लोगों ने बताया। बाबा से मिलना है तो 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, खर्च करने पड़ेंगे। सत्संग कराना पड़ेगा या डोनेशन देना पड़ेगा? डोनेशन करना पड़ेगा हमको, बाबा को देने पड़ेंगे 50 लाख रुपए। वो तो कहते हैं हम दान नहीं लेते, हम किसी से कोई चीज नहीं लेते, हम किसी से पैसा नहीं लेते। चार जिलों में फैला रखी है, ये कहाँ से बनाई है इसने? ये मामूली पुलिस कांस्टेबल था, यूएन शोषण में पकड़ा गया था, जेल भी हुई थी। इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आ गई इसके? जो महल बना रखे है इसने, बताइए। ये पब्लिक का तो है नहीं है, इसी का है, कहाँ से आ गया इसके पास? इसकी बदौलत आया। उसको आजीवन कारावास होना चाहिए पूरी तरीके से, दोबारा सत्संग ना हो पाए, दोबारा ऐसी घटना ना हो। आप चाहते हैं ऐसे सत्संगों पर रोक लगे, बाबा को आजीवन कारावास? आजीवन कारावास हो, ऐसे सत्संगों पर रोक लगनी चाहिए। आज हमारे साथ कुछ बीता है ये दिन, कल किसी और के साथ बीते। हाथरस कांड के बाद भक्तों को जैसे जैसे बाबा की करतूतों का पता चल रहा है, बाबा के पोस्टर, लॉकेट और बाकी सामान कोई कूड़ेदान में फेंक रहा है तो कोई नाली में। हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिलों में भक्त फांसी, उम्र कैद और एनकाउंटर तक की मांग कर रहे हैं। बाबा ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकता है, तो बाबा को खबर तो आई होगी। बाबा को पीछे आना चाहिए, सिस्टम देखना चाहिए, कितना आदमी खत्म हुआ है, कितना कैसे। बाबा अपने कार्यकर्ताओं को ये बोल देता कि भाई इसको हटा दो, भीड़ को हटा दो, या ये वाहनों को हटा दो, हाईवे पे उसमें खोल दो, तो बाबा के कहने से सब काम हो जाता। अब बाबा को ये क्यों गया आगे? फिर बाबा मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा? प्रशासन क्या कर रहा है? अरे बाबा को FIR होनी चाहिए बाबा के खिलाफ। बाबा को दोषी है ही है बाबा, पहली बात तो। और फिर बाबा को जे आप जे प्रशासन है, कोई भी बच्चा वाल क्रम करा देता है तो प्रशासन नेक देर में उठा लाती है। बाबा को क्यों नहीं लेके आ रही? तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए बाबा का तुरंत एनकाउंटर। जैसे वो लोग मारे गए ना,
121 इतने 150-200 आदमी मारे गए, इनका तो तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, तब तो योगी गवर्नमेंट को मानेंगे अन्यथा नहीं मानेंगे हम। तो कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं एनकाउंटर होना चाहिए, वो संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस कह रही है जांच होगी, बाबा की भूमिका की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक बाबा का FIR में नाम तक नहीं है। हाथरस कांड में बाबा नारायण साकार हरि के खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुई है, उसके 6 सेवादारों को जरूर गिरफ्तार किया गया है। इनमें मैनपुरी का राम लड़ैते यादव, शिकोहाबाद का उपेंद्र यादव, हाथरस का मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव और मंजू देवी शामिल हैं। अलीगढ़ के जितेंद्र, जो हाथरस में अपने परिवार के साथ सत्संग सुनने गए थे, वहां भगदड़ में उनकी पत्नी और बेटा जिंदा लौट कर नहीं आए। वो और उनके जैसे कई भक्त बाबा को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। भैया जो गुनहगार है, जो परमात्मा बनना है, या जिसने जो भी शहादत रची है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए पूरी। परमात्मा बन रहा है इसका मतलब बाबा के खिलाफ आप चाहते हैं कार्रवाई हो? अब तक बाबा परमात्मा बनने उनमें कोई शक्ति नहीं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता का जो वहाँ अगर ना जनता इतनी घट्टी होती ना इतना हादसा होता। अगर वो परमात्मा है तो अपनी कोई शक्ति दिखाए, नहीं है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो तो सजा इतनी मिलगी कि पूरी जिंदगी ना भूलूंगा भैया। मैं तो सत्संग इतना लिया, तुम समझ रहे हो कि मेरा बेटा और मेरी वाइफ चली गई तो मेरा कुछ बचा जीवन में, मेरी बेटी इनका ना भैया रहा ना मैया रहा, तो इनको कौन प्यार देगा? तो मैं तो इतना लिया कि पूरे जीवन भर नहीं भूलूंगा। जो भी गुनहगार निकलता है उसको फांसी की सजा दी जाए, चाहे वो बाबा हो, चाहे संचालन करता हो, या फिर वो जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन की कमी हो। SIT ने हाथरस कांड की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सेवादारों की भूमिका को संदिग्ध माना गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चरण रज लेने की घोषणा मंच से सेवादारों ने की, बाबा के निकलते ही चरण रज लेने के लिए लोग दौड़े और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये भी कहा गया है कि बाबा के मंच से चरण रज लेने की घोषणा की गई, उसी वजह से भगदड़ मची और इतना बड़ा हादसा हो गया। बाबा के चरणों की धूल को बहुत अहम मानते हैं, जबकि वो बस वो कुछ नहीं होता, वो जहाँ कदम रखते हैं बस उसी धूल को अपने माथे पे लगाते हैं, पूरा मुंह कोई मुंह कर लेता है, कोई जो भी है, जो भी मानते हैं जैसी भी आस्था है उनकी, लेकिन चरणों की धूल के लिए बस यही मानते हैं कि अगर चरणों की धूल मिल जाती है तो हमारे सारे दुख दर्द दूर होगा। तो बाबा ने खुद बोला था अपने मुंह से कि मेरे चरणों की धूल लीजिए और आपके परिवार में कोई दुखी परेशान हो उसको लगाइए। तो जैसे बाबा की गाड़ी निकली है और पब्लिक गाड़ी के पीछे भागी है टायरों के नीचे की धूल उठाने के लिए, बाबा जहाँ से स्टेज से उतरा उसके नीचे की धूल उठाने के लिए निकली है, तो पब्लिक टूट पड़ी है उनके पैरों की धूल उठाने के लिए, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। और जो काली वर्दी में थे वो तो पब्लिक को हटाते जा रहे थे, पब्लिक कोई कोई तो पब्लिक उनकी धक्के से ही घायल हो गई और मौत भी हो गई। चरण रज के बारे में जब हमने पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात पता चली। दावा किया गया कि इसके लगाने से किडनी स्टोन पिघलकर खत्म हो जाते हैं, जख्म भर जाते हैं, मिर्गी के दौरे बंद हो जाते हैं, लेकिन पड़ताल में ये दावा झूठा निकला। चरण रज क्या है? चरण रज जो होते है घर में लाके धर लो, कोई बिटिया बेटा बीमार हो तो है तो बाके लगा दो, वो सही है जातो है। क्या सुन के लेके आए थे? के अच्छा है जाता, भला है जाता है। तो हमारे बेटा के पथरी थी तो मैंने की ला जाके लगा के देखूं, तो लगा के लगाई तो वो छोरा बोला चल का लगा दो, उसे यो करके मैं रह गई, रह गो के कोड़ रह गई यो करके और यो हाथ रह गई, माने लगा ली तो क्या का लगा दो डोकरी में का हुआ ना मान। तो फिर मैंने आगरा हॉस्पिटल में भर्ती वो का कहते हैं ऑपरेशन करवा। तो मां बता रही है कि सेवादार कहते हैं कि अगर बाबा के चरणों की धूल आप ले जाओ, अगर कोई बीमार है उसको लगा दो तो बीमार ठीक हो जाता है, यही मूल वजह थी इस पूरी घटना की, क्योंकि जब बाबा निकले तो सब उनके चरण रज लेने के लिए या कहीं पैरों की धूल लेने के लिए आगे बढ़े और इसी वजह से ये हादसा हुआ। SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाथरस कांड में साजिश के एंगल को नकारा नहीं जा सकता। इसकी पड़ताल में पता चला, एक भक्त ने बताया कि सत्संग में कुछ लोग शराब के नशे में धुत थे, वो भक्तों को धक्का मार रहे थे जिसकी वजह से कई भक्त जमीन पर गिर पड़े।
अब सवाल उठता है कि शराब के नशे में धुत लोगों को किसने सत्संग में एंट्री दी। एंट्री देने, बिठाने और भीड़ को मैनेज करने का जब सारा जिम्मा सेवादारों ने संभाल रखा था तो शराबी वहां कैसे घुसे? कुछ लोग दारू पीवे वाले, उन्होंने नहीं जे देखा है, वो चरणों की धूल के नहीं नहीं भाजे, वो तो निकल गए। उसके बाद में उनने ऐसा रेला मचाया है कि उनने नहीं न कोई बच्चा देखा है, न कोई बुढ़िया देखा, न कोई बड़ा देखा है, यूं करके धक्का मारे। अम्मा कह रही है कि जब कीर्तन करके ये निकले तो सड़क पे कुछ लोग शराब पिए हुए थे, धक्का मुक्की कर रहे थे और उसी धक्का मुक्की में अम्मा गिरी हैं। ये सबसे बड़ी बात अभी इंडिया टीवी पर पता चली, क्योंकि अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई थी। षड्यंत्र की बात पुलिस कह रही थी, लेकिन अब अम्मा कह रही है कि वहां 5 से 6 लोग ऐसे अम्मा ने देखे जिन्होंने शराब पी हुई थी, धक्का मुक्की कर रहे थे। अम्मा ने टोका तक, क्या कहा आपने? मैंने गाली भी कह दी, मैंने कम कहता हूँ तुम्हें ऐसी जगह आए हो, तुझे दारू पी पी के आए हो, इस चीज का कुछ महत्व भी जानते हो, धक्के मारते रहे चले गए, कुचलते रहे चले गए। तो अम्मा बहुत बड़ी बात बता रही कि वहां अम्मा ने 4 से 5 लोग ऐसे देखे जो सड़क पर धक्का मुक्की कर रहे थे, शराब पी हुई थी और अम्मा ने उनको लताड़ा भी। ये अभी तक की सबसे विस्फोटक बात चली है जो इस बात को पुख्ता करती है कि क्या भगदड़ कराने में किसी का हाथ था। अम्मा कह रही है 5 से 6 लोग उन्होंने देखे जो शराब पी हुए थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। बाबा साकार हरि का माया जाल कई राज्यों में फैला हुआ है। बाबा के महल नुमा आश्रम कई कई एकड़ में फैले हुए हैं। मैनपुरी का आश्रम, जिसे बाबा नारायण साकार हरि व्हाइट हाउस कहता है, सफेद रंग से चमकते इस महल में ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं। कई कमरों वाले इस आश्रम को लग्जरी रिजॉर्ट की तरह बनाया गया है। इसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है जिस पर बाबा लाखों भक्तों को बुलाकर सत्संग करता है। मैनपुरी आश्रम में ही बाबा के छुपे होने का शक है। एसटीएफ की टीम भी वहां जांच पड़ताल कर चुकी है। यहां भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, लिहाजा सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कानपुर में भी साकार हरि का एक भव्य आश्रम है जो अंदर से एक 5-स्टार होटल जैसा लगता है। बाबा के आश्रमों के चारों तरफ ऊंची बाउंड्री है। बाबा चमत्कारी शक्ति की बात करके लोगों को, खास तौर से महिला भक्तों को लुभाता है, लेकिन अब खुद बाबा की चमत्कारी शक्तियों का इम्तिहान है। आप लोग चाहते हैं कि बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई हो इस पूरे? हाँ बिल्कुल चाहते हैं, होनी चाहिए, लेकिन पकड़े जाएं तो मानेंगे कि हाँ ये अंधविश्वास है, और नहीं पकड़े गए तो ये अंधविश्वास नहीं है। हाँ फिर तो हम उन्हें परमात्मा ही मानेंगे। अगर पकड़े गए या उनके जो आश्रम है उस पर सुना बिल्डोजर चल रही है वो चलेगी तो हम मान जाएंगे कि अंधविश्वास है, लेकिन नहीं पकड़े गए तो कोई अंधविश्वास नहीं है। बाबा साकार हरि की बाबागिरी का खेल अब खत्म हो चुका है। बस इंतजार है उसके बंकर से बाहर आने का, जहां वो अंडरग्राउंड है।